हिमाचल में एक बहुत बड़े जश्न का आयोजन कर रही है। इस जश्न के लिए बड़े जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। हजारों की संख्या में होर्डिंग पूरे प्रदेश में लग रहे हैं, शिमला में भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ये चार वर्ष कैसे बीते ये हिमाचल प्रदेश की जनता या हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग के लोग जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशान है वो बयान कर सकते हैं। जिस ढंग से हिमाचल प्रदेश में लगातार बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता रहा, नौकरियां देने की बात तो दूर रही, जिन सरकारी क्षेत्रों में अगर इक्का दुक्का नौकरियां निकली भी वो भी बाहर के लोगों को दी गई, महंगाई चरम सीमा पे है और प्रदेश में विकास शून्य। और चार उपचुनाव, मंडी लोकसभा क्षेत्र और तीन विधानसभा क्षेत्र जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में आक्रोश था, लोगों की नाराजगी थी, स्पष्ट तौर पे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ अपना जनादेश दिया। अब ये जश्न किस बात को लेकर है ये हमारी समझ से परे। प्रधानमंत्री जी हिमाचल आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। देश के प्रधानमंत्री पहले भी आए, अभी आ रहे हैं, हमें उनके आने में कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जिस ढंग से उनके आने को एक बहुत बड़ा इवेंट बनाया जा रहा है और इस इवेंट के लिए जो पैसा खर्चा जा रहा है उस पर निश्चित तौर पे हमें आपत्ति है। एक तरफ से तो आप लगातार कर्ज ले रहे हो और अभी आप 1000 करोड़ का फिर से कर्ज लेने हो, दूसरी तरफ से आप इस आयोजन पर पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। इस आयोजन की पब्लिसिटी से करोड़ों खर्च होने वाला है और भीड़ जुटाने के लिए जो अधिकारी हैं उन्हें निर्देश दिए गए। आज भारतीय जनता पार्टी पार्टी के नाते उनकी इतनी स्थिति नहीं रही है कि वो लोगों को इकट्ठा कर सके। अब बंदूक सरकार के कंधे पर चल रही, जो बड़े अधिकारी हैं, निचले स्तर तक जो अधिकारी हैं उन्हें भीड़ जुटाने का जिम्मा दिया। ट्रांसपोर्टेशन, यातायात का सारा, खाने पीने का खर्च और जो भी खर्च सभा स्थल तक लोगों को लाने में होगा या सभा स्थल से उन्हें घर पहुंचाने में होगा, ये सारा खर्चा सरकार वहन करने वाली है। अब बताइए इसकी जरूरत क्या है। अब प्रधानमंत्री जी उस दिन क्या घोषणा करेंगे उसके बारे में हम आज बात नहीं करें।
27 तारीख को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस विरोध दिवस के रूप में मना रही है। हम प्रधानमंत्री के आने का विरोध नहीं कर रहे, जो 4 वर्ष का इनका कुशासन रहा हम उसका विरोध कर रहे हैं, और जो पैसा इस इवेंट पे पानी की तरह बहाया जा रहा है हम उसका विरोध कर रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि जिला स्तर पर विरोध दिवस का आयोजन किया जाएगा और हमारी जिला कांग्रेस कमेटी महामहिम राज्यपाल को डिप्टी कमिश्नर के मार्फत ज्ञापन सौंपेगी। उसी तरह से शिमला में हमारे पार्टी के जो नेता है, मैं स्वयं मौजूद रहूंगा, विपक्ष के नेता भी होंगे, हम राजभवन जाकर राज्यपाल महोदय को 4 वर्ष का जो कच्चा चिट्ठा है भारतीय जनता पार्टी सरकार का या इनकी जो असफलताएं, उन असफलताओं को लेकर हमने दस्तावेज तैयार किया है, वो हम महामहिम राज्यपाल को सौंपने वाले हैं। हम बड़े स्तर पर प्रदर्शन नहीं करेंगे, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू गिव इंप्रेशन दैट वी आर अपोजिंग विजिट ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि 4 साल जश्न उसका हम निश्चित तौर पर विरोध कर रहे हैं, और इस पे जो पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है और सरकारी तंत्र का, सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग किया जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था, आप लोगों को इस बात की सूचना है कि कांग्रेस ने एक चार्जशीट कमेटी का गठन किया, लगभग 2-2.5 महीने का समय हुआ है। हम अपनी चार्जशीट कमेटी को निर्देश दे रहे हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर लोगों के बीच में जाकर आरोप पत्र तैयार करें और 6 महीने बाद हम उस आरोप पत्र को, उस चार्जशीट को जिसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार से जुड़े मामले, वो हम प्रदेश की जनता को के समक्ष लाना चाहेंगे। वी हैव गिवन 6 मंथ टाइम टू आवर चार्जशीट कमेटी टू प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट एंड आफ्टर 6 मंथ वी आर गोइंग टू रिलीज दिस चार्जशीट फॉर द नॉलेज ऑफ पब्लिक जनरल पीपल। एक बात मुझे और कहना, अब आप बड़ी भीड़ जुटाकर किसे प्रभावित करना चाहते हैं? हिमाचल की जनता ने तो आपको नकार दिया, एक तरफ तो ओमिक्रॉन को लेकर पाबंदियां लगाने की बात हो रही है, आपने कुछ राज्यों में, लगभग 5 राज्यों में आपने रात्रि कर्फ्यू लगा दिया, आप जो कोरोना गाइडलाइंस है, जो दिशा निर्देश है, आप कह रहे हो कि सख्ती से पालन होना चाहिए,
और दूसरी तरफ आप सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठे करने की योजना बना रहे हो, क्या ये विरोधाभास नहीं है? हाउ देयर कैन बी टू डिफरेंट यार्डस्टिक्स? ये दोहरे मापदंड क्या है? आप कुछ राज्यों पे पाबंदी लगा रहे और कुछ हिमाचल में, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो यहाँ आपने तमाम पाबंदियों को जो है बिल्कुल दरकिनार किनार कर दिया, तो ये भी मुझे लगता है बहुत बड़ा विरोधाभास है। मुख्यमंत्री को इसे लेकर जो है अपनी स्थिति जो है स्पष्ट करनी चाहिए। 28 तारीख को देश का जो सबसे पुराना राजनीतिक दल इंडियन नेशनल कांग्रेस अस्तित्व में आया था, 28 तारीख को हम जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर कांग्रेस पार्टी का जो स्थापना दिवस है उसे उस दिवस को मनाने वाले, ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा और उसके बाद इस सभागार में जो है पार्टी के नेताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हम इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। थैंक यू सो मच। कोई प्रश्न आपने पूछने हो मोस्ट वेलकम। ज्ञापन देने में क्या होगा, ज्ञापन में क्या होगा? ज्ञापन में जो इनकी असफलता है, फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट विल बी इंडिकेटेड। लेकिन ये चार्जशीट नहीं होगी, चार्जशीट तो पूरे साक्ष्य के साथ पूरे सबूतों के साथ हम पेश करेंगे। सर, हाउ पैरामीटर दिस लुक्स लाइक, हमने बहुत सारे ऐसे बीजेपी रूल स्टेट भी हैं, और भी स्टेट्स हैं जहां ओमिक्रॉन को लेके बहुत सारे ऐसी बातें कही जा रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग कह रहे हैं, डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि दिस इवेंट फेटल अगर इसको भी नहीं रोका गया, डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट जो ये इस तरह का कार्यक्रम भी हो रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, बड़ी जनसभाएं भी होनी है और बाकी जगह भी जिस तरह से भीड़ जुट रही है, कितना मुश्किल कितना संवेदनशील है, क्योंकि पहले की पॉलिटिकल और एक्टिविटी से ही इस तरह के हिमाचल प्रदेश में कैसे पड़े। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने पहले भी आपसे इस बात की चर्चा की है कि ये दोहरे मापदंड है और हिमाचल तो ऐसे भी पर्यटक राज्य, और आज 25 तारीख क्रिसमस डे, भारी संख्या में लोग टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं, फर्स्ट जो साल का पहला दिन होगा उस वक्त भी यहाँ भीड़ जुटेगी, तो एक तो हम वी आर वल्नरेबल टू दिस वायरस, लेकिन आप सोने पे सुहागा ये कर रहे हो कि आप हजारों की भीड़ इकट्ठी करके, मैंने जैसे पहले कहा, क्या संदेश देना चाहते हो कि आप प्रधानमंत्री को ये दिखाना चाहते हो कि हम बहुत मजबूत हैं, हमने इतने लोग इकट्ठे किए हैं, क्या प्रधानमंत्री इस बात से वाकिफ नहीं है कि आप 4-0 से आपकी शिकस्त हुई है और जहां पे प्रधानमंत्री आ रहे हैं वहां आप 4 लाख से जो आपका उम्मीदवार जीता था, जो सांसद बना था, वो सीट आप हारे? तभी तो मैं कह रहा हूँ कि इनके इनके जो मापदंड है वो दोहरे हैं। लेकिन वो ये ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और उपदेश दूसरों के लिए। आप कांग्रेस को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ऐसे खबरें लगी कि 10 लोग जो है दिल्ली में गए और आपको हटाने की मांग कर रहे हैं। सर, देखिए आपने जो प्रश्न पूछा है, कांग्रेस के संविधान में कहीं ये नहीं लिखा है कि कांग्रेस के जो विधायक है वो दिल्ली जाके अपने नेताओं से मिल नहीं सकते। मिल सकते हैं, प्रभारी से बात कर सकते हैं, लेकिन हटाने वाली बात कहीं हुई नहीं है। अगर किसी का बयान सामने आया तो बताइए, ये खाली क्या से लगाए जा रहे हैं और
अब देखिए पार्टी के अंदर वार्तालाप का दौर चलता रहता है, मुझे आपत्ति तब होती है अगर वो भाजपा के कार्यालय में गए होते तब ये न्यूज थे, अगर कांग्रेस और अगर कांग्रेस के कोई विधायक जाकर दिल्ली बात करते हैं, प्रभारी से मिलते हैं, मुझे लगता है कि अगर वो सकारात्मक बात करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका फायदा होगा और मेरा दिल बहुत बड़ा, मैंने तो कभी मायने नहीं दिया। अनुशासनहीनता नहीं है, नहीं, इट इज नॉट इनडिसिप्लिन जब तक कोई लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने का प्रयास न करे। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा होता है। और पिछले वर्षों से जब से मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूं, मैंने सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास किया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का एजेंडा चल रहा है, राहुल गांधी का एजेंडा चल रहा है, मेरा भी कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है। मेरा एजेंडा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को पुनर्स्थापित करना है और उसके लिए मैं दिन रात प्रयास कर रहा हूँ। और आपने देखा होगा कि ये जो मुझे हमें मिली है, ये एक दिन या एक महीने की मेहनत से नहीं मिली, इसके लिए पिछले 3 वर्ष में जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना खून पसीना बहाया और जिस ढंग से मैंने पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का प्रयास किया, उसका परिणाम है। जब तक कोई लक्ष्मण रेखा को पार करने का प्रयास नहीं करेगा तब तक कोई अनुशासनहीनता नहीं है। लेकिन मुझे अगर लगेगा कि इतनी मेहनत, इतनी सकारात्मक आज सोच पूरे देश में बनी है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का आप माहौल जाकर अगर देखें, हिमाचल में हवाएं बदल दी है पूरे देश की। श्रीमती सोनिया गांधी जी से मैं स्वयं मिला, बहुत खुश थी, उन्होंने बधाई दी मुझे। राहुल गांधी जी से मैं जयपुर में मिला, वो बहुत खुश थे। वेणुगोपाल जी से मैं मिला, जितने भी कांग्रेस के नेता हैं उस बात को लेकर खुश है। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां हिमाचल की जीत को बुनाया जा रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या दूसरे राज्य हो। अभी चंडीगढ़ नगर निगम में सबसे ज्यादा हमारे हिमाचल के पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनको आमंत्रित किया गया, मैं स्वयं भी गया, वहां भी इस जीत को बनाया जा रहा है। अब जब इतना जश्न का माहौल हो, इतनी बड़ी जीत हो और हमें 2022 को देखना, तो किसी को हटाने का या बनाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। Nobody is going to accept this logic। लेकिन अब ठीक है, मीडिया में कुछ बातें आती हैं, उसका बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन इस बात को उछालना ठीक नहीं है। और जैसे मैंने कहा, जिस दिन मुझे लगेगा एनीबॉडी, ही मे बी सीनियर लीडर, ही मे बी जूनियर लीडर, एनीबॉडी who will try to cross line, definitely I am going to take action। राठौर साहब, आपने कहा कि कयास लगाए जा रहे हैं कि ये मांग की गई आपको हटाने की, लेकिन उनमें से जितने एक विधायक है, जब ये खबर लगी, खंडन किसी ने नहीं किया, आप कयास कर रहे हैं? नहीं, मुझे बताइए ना, किसने बयान दिया कि हमने जाके इस तरह बोला? अब ये बताइए ना। नहीं, आप कह रहे कि कयास लगाए, नहीं, कयास ही है ना। Nobody has stated, not even a single MLA has stated what was their demand. They may have admitted that we have met party leaders. क्या है उसमें गलत क्या है? But nobody has stated कि there was any demand against anyone. बिना statement के खबर कैसे बनेगी? नहीं, वो अब ठीक है, वो अखबारों में अगर statement तो कुछ नहीं है। Politically, do you think Congress is a united? कांग्रेस एकजुट है, इकट्ठी है। और मैंने एक बात पहले कही है, आप मेरी बात को समझिए, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को कोई जगह नहीं है संगठन। जब तक मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ, किसी भी व्यक्तिगत एजेंडे को कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं, देयर इज नो स्पेस। एक्शन क्यों होगा जब बात नहीं हुई? राठौर साहब, अगर पार्टी हित में हाई कमांड आपका, आपको कोई और जिम्मेदारी दे देता इसकी बजाय, तो आपका क्या? देखिए, इट इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। जैसे नो 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 नो, देखो, पार्टी को अगर पार्टी ने देखा है, देखिए, जब मुझे अध्यक्ष बनाया उस वक्त क्या स्थिति थी, उसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी में इंप्रूवमेंट हुई और हम पंचायती राज संस्थाओं में हमारे अच्छे रिजल्ट रहे। कॉर्पोरेशन इलेक्शन में हमने 2-2 की बराबरी की, अभी हमने 4-0 जो अप्रत्याशित परिणाम थे दिल्ली के लिए,
हमें तो मालूम था ठीक करेगा, लेकिन दिल्ली में नियमित है। अब कांग्रेस को मालूम है कि लीडरशिप चाहे मैं हूँ इवन पार्टी विधायक करके देता है। अब हिमाचल में सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि 2022 का चुनाव नजदीक है और अभी कोई प्रयोगशाला थोड़ी नहीं है कांग्रेस पार्टी। निश्चित तौर पर लड़ा जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है, दो सवाल है, क्या मोस्ट स्ट्रॉन्गर अगर कोई लॉबी आपके अगेंस्ट काम कर रही है या लोग बन रहे हैं दस में कि आपकी लीडरशिप में वो कॉस्मेटिक लीडरशिप आ गई है, आपको क्या लगता है? मैं हर चीज को बड़ी पॉजिटिविटी से सोचता हूँ। देखिए 2022 का इलेक्शन निश्चित तौर पे मेरी अध्यक्षता में होगा, इसमें कोई जोर आए नहीं क्योंकि ग्राफ ऊपर बढ़ा है, ऊपर से नीचे नहीं आया, ऊपर बढ़ा और ये ग्राफ बढ़ने वाला है और मेरी किसी से कोई प्रतिद्वंदिता नहीं। और मैंने जैसे पहले कहा कि आई डोंट हैव एनी पर्सनल एजेंडा, आई डोंट हैव एनी ओवर एंबिशन। जो टास्क मुझे पार्टी आला कमान ने दिया, राहुल गांधी जी ने दिया, श्रीमती सोनिया गांधी ने दिया, मैं उस एजेंडे पे जो है काम कर रहा हूँ और सभी नेताओं को इकट्ठा लेकर चलने का प्रयास।